साथियों नमस्कार। बात करेंगे SSC भर्ती 2018 के बारे में। तो देखिए SSC भर्ती 2018 का मामला 18 से लेकर 2024 लग चुका है, लेकिन अभी तक साथियों ये मामला आपका कोर्ट में चल रहा है। तो आज साथियों 3 मई है, तो 3 मई की आज जो सुनवाई आपकी थी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो ये पूरा मामला आपको मैं पहले बता देता हूँ। जैसे जो वैकेंसी आई थी 18 में, वो 62,000 प्लस पदों की आपकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद 55,000 प्लस बच्चों को सेलेक्ट करके, और बाकी जो मेडिकल फिट कैंडिडेट थे उनको सतो ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, वो बच्चे बाकी रह गए थे। फिर उन्होंने केस कर दिया, काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया, पैदल मार्च किया, बहुत संघर्ष भरा दिन है आप लोगों को मैं जान सकता हूँ। लेकिन अब मामला सतो आपको कोर्ट में है, कोर्ट में बार बार आपकी डेट लगती है। तो आज देखते हैं सतो कोर्ट में क्या हुआ है, दिल्ली कोर्ट में, और क्या सतो कोई ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं सिलेक्शन होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो को डिटेल से बात करने वाले हैं। तो प्यार से तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नया हो चैनल को देखिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSC भर्ती 2018 से जुड़ी कोई भी अपडेट हो और सेकंड लिस्ट कोई अपडेट हो तुरंत से तो आप तक पहुँच जाए। तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ। तो कोर्ट का केस का स्टेटस देखने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे या तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे केस जो टाइप आपका है, तो केस टाइप वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर करते जाना है, यहाँ पे ऊपर करते जाना है, जैसे यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन है कांस्टेबल CAS अब्लिक में C और CCP, तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर चेक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया। अब जो आपका जो केस का नंबर है वो है 630, ठीक है, हम यहाँ पे 630 टिक कर देते हैं। और जो ईयर है 2023 सेलेक्ट करके डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। तो डिस्प्ले पे जैसे क्लिक करेंगे जो केस की पूरी समरी वो आपको दिख जाए। तो ये है आपके आज की 3 मई के कोर्ट की समरी। आज देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो डेट लगती है अभी से, तो यहाँ पे कोई डेट नहीं लगी दिखाई दे रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कोई भी डेट तो अभी इसमें लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद है तो कोई आर्डर दिया होगा, तो मैं आर्डर यहाँ पे देख लेता हूँ। तो आर्डर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा सा समय लेगा। और उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लो, ये केस जो है रूपक कुमार वर्सेज भल्ला है। अब यहाँ पर देखो जो आर्डर मैंने पिछली वीडियो आपको दिखाया था 25/4/2024 का, वही आर्डर सतो यहाँ पे अपलोड किया गया है। और एक आर्डर आपका अपलोड किया गया है 24/4/2024 का, लेकिन सतो आज की डेट का जो 3 मई सतो आज की डेट में जो 3 मई में आपकी सुनवाई हुई थी उसका आर्डर सतो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। हो सकता है कल तक आपका जो आर्डर है सतो अपडेट कर दिया जाए, और उम्मीद ये है कि आर्डर ना होगा सेकेंड लिस्ट का आदेश सतो हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका है। और अगर आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी तो बहुत तो बढ़िया होगा, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी वो तो सातों बात की बात है। देखिए अगर आप लोग पॉइंट कुछ नंबर से रह गए होंगे तो आपकी सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, बस आपको अपनी तैयारी को बना के रखना है। और कोई जो भी डॉक्यूमेंट आपके गलत हों उसको सातों अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए, जिससे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको ना भगाया जाए, ठीक है। तो ये रहा पूरा अपडेट। तो अगर कोई अपडेट आएगा कोई आदेश आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।